Hi friends, welcome to Partnership again. We were discussing about partnership. It's a prolonged chapter. So, आज हमने पहले बात कर ली थी बेटे कि interest on drawings होता क्या. Drawings ये होता है कि जब partners जो हुए हैं business के, वो अपनी partnership में personal use के लिए पैसा या goods withdraw करें. तो बेटे जब वो goods withdraw करते हैं या पैसा, तो partnership deed में अगर लिखा है, तो उस पे interest charge किया जाएगा. And this interest is going to be income for the partnership because we interest charge kar rahe hain because business does not want ki money should be withdrawn kyunki jitna business mein paisa ho utna hi profits kamane ke zyada chances bante hain to partnership deed should mention it ki interest on drawings charge karna hai to it is charged by the firm only when it is clearly mentioned in the partnership deed pehla to ye point hai क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है साइलेंट है तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जा सकता. अब इसके मेथड्स होते हैं. ड्राइंग्स क्या है, ऐसा तो नहीं है कि वो हर मंथ ड्रॉ करेगा या 15 दिन के बाद, कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है. तो देर आर डिफरेंट मैथड्स टू कैलकुलेट दिस इंटरेस्ट. तो उसके न्यूमेरिकल्स अगले लेक्चर में होंगे. आज मैं आपको सिर्फ फॉर्मूलाज चाहता हूँ कि आप थोड़ा देखें और उन्हें याद करने की कोशिश करें. देर आर शॉर्टकट मैथड्स ऑल्सो एंड देर आर नॉर्मल मैथड्स. तो इसमें मैं कुछ केसेस कर रहा हूँ बेटे. फर्स्ट केस, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन. डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है, सिर्फ लिखा है कि पार्टनर ने इतना पैसा विड्रॉ कर लिया. उस केस में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा बेटे? टोटल ड्राइंग्स, जितनी भी उसने ड्राइंग्स की होंगी साल में, जितनी भी वो दिया होगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट. रेट इज ऑल्सो मैंशन 10% या 12%. रेट इज ऑलवेज मैंशन. रेट 100, इसे 6/12 कर देंगे. मतलब उस केस में हम क्या मानते हैं कि क्योंकि डेट मेंशन नहीं है तो हम मानते हैं एवरेज, तो हमें 6/12 करना है. वरना तो नॉर्मल यही होता है, इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज करता है वो भी ऐसे ही करता है. बट व्हेन डेट इज नॉट गिवन, हम टोटल ड्राइंग्स जितनी उसने साल में की, रेट दिया होता क्वेश्चन में बेटे, 6/12 करते हैं. इसे 6 मंथ्स की मान लिया जाता है. व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स इज गिवन. अभी किसी किसी क्वेश्चन में डेट्स दी होती हैं कि उसने 15 जून को विड्रॉ कर लिया, 30 सितंबर को विड्रॉल कर लिया, 15 मार्च को विड्रॉ कर लिया. मतलब व्हेन डिफरेंट डेट्स आर गिवन कि एक पार्टनर ने इतना इतना पैसा विड्रॉ किया, उस केस में हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं. प्रोडक्ट मैथड में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? फर्स्ट फॉर्मूला ये था, तो दिस इज नोन एज प्रोडक्ट मैथड. प्रोडक्ट मैथड में हम बेटे टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स करेंगे. टुमारो आई विल शो यू द न्यूमेरिकल्स हैं कि ये प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं. तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स जो दिया होगा, आज सिर्फ आपने फॉर्मूलाज जॉट डाउन करने हैं और इन्हें थोड़ा याद रखना है. कल हम इन्हें अप्लाई करेंगे और सारे न्यूमेरिकल एक एक करके करेंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड. कभी कभी एमसीयू में जल्दी से कैलकुलेट करने वाली चीज़ भी आ सकती है. तो टोटल प्रोडक्ट्स इंटू रेट दिया होगा, इसको 1/12 कर दिया जाता है. क्योंकि जब प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं वो ओवर द ईयर करते हैं, तो याद रखिए यहाँ 6/12, यहाँ 1/12. और कभी कभी डायरेक्ट मेथड्स होते हैं. डायरेक्ट मेथड्स में भी आपको सिर्फ ये मंथ्स वाला स्टेटस याद रखना होता है. फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ. बिगनिंग ऑफ ईच मंथ का क्या मतलब हुआ बेटे? स्टार्ट हम 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, यानी कि वो हर बिगनिंग ऑफ द मंथ में कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेता है इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर द होल ईयर, पूरे साल. तो बेटे मान लीजिए 1000 विड्रॉ करता है हर महीने करेगा, तो टोटल ड्राइंग्स 12 से मल्टीप्लाई हो गया ना बेटे, इनटू रेट इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन. इसे हम 6.5/12, तो यू मस्ट रिमेंबर यहाँ 6/12 किया था, यहाँ 1/12 किया था, और यहाँ 6.5/12. दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड. तो यू जस्ट हैव टू जॉट डाउन कि कैसे 6/12 हो गया, 1/12 हो गया, और बाद में 6.5/12. तो ये था बिगनिंग. अब बिगनिंग के बाद नेक्स्ट क्या है? इन द मिडल ऑफ ईच मंथ. अब मिडल का मतलब क्या हुआ बेटा? 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, इस तरह हर साल, पूरे साल वो विड्रॉ करता रहता है. तो इस केस में ये जो 6.5 था, ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? 6/12 से. वही आएगा टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट. क्वेश्चन, टोटल ड्राइंग्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं 12 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि अगर हर मंथ कर रहा है तो साल में आई होप 12 मंथ्स ही होते हैं. तो रेट अपॉन 100 इंटू 6.5, तो इसे हम 6/12 से करेंगे. एंड द फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ. एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब क्या हुआ?
स्टार्टिंग हमारा अप्रैल से सेशन अगर स्टार्ट होता है तो एंड ऑफ अप्रैल, एंड ऑफ मई, एंड ऑफ जून, एंड ऑफ जुलाई टिल मार्च, उस केस में हम इसे 5.5/12 से करेंगे। वही फॉर्मूला वही है बेटा, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100। ड्राइंग्स आप कैलकुलेट कर लेंगे, रेट दिया होगा, सिर्फ इस चीज को याद रखना। तो इस बार हम 5। ए फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब क्वार्टर क्या है? क्वार्टर इज डिवाइडेड बाय 4। तो साल में अगर 12 मंथ्स हैं, 4, इनका मतलब क्वार्टर 3-3 मंथ्स का हो गया, तो हमेशा 4 क्वार्टर्स होते हैं बेटे। तो वैसे मान लीजिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो बिगनिंग मीन्स फर्स्ट ऑफ अप्रैल को ड्रॉ किया, पहला क्वार्टर खत्म, फिर फर्स्ट ऑफ जून को भी ड्रॉ किया सेकंड क्वार्टर, फिर फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को भी ड्रॉ किया थर्ड क्वार्टर, और फिर फर्स्ट ऑफ जनवरी को भी ड्रॉ किया फोर्थ। तो 4 क्वार्टर्स हो गए, यानी कि उसने विड्रॉ 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी को किया। अब अगर 1000 ही विड्रॉ किया है तो बेटे 4 क्वार्टर में टोटल ड्रॉइंग्स कितनी हो जाएंगी? 4000। रेट इज ऑलवेज मेंशन इनटू, इस बार क्या कर देना हमें, 7.5/12। तो बिगनिंग ऑफ द ईच क्वार्टर हो तो हमें 7.5/12 याद रखना है। हाँ, इस बार मैंने 12 से मंथ मल्टीप्लाई क्यों किया था बेटे, क्योंकि पूरे साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12, और क्वार्टर मैंने अभी आपको बता दिया कितने होते हैं बेटे, 4। तो अगर हर क्वार्टर की बिगनिंग में वो 1000 विड्रॉ करता है तो उसने 4 बार ड्राइंग्स की होंगी, तो 4000 टोटल ड्राइंग्स होगी उसकी। क्लियर? वेन द फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड का मतलब क्या हुआ फिर? जून के लास्ट में, सेप्टेम्बर के लास्ट में, दिसंबर के लास्ट में और मार्च के लास्ट में। तो ये भी 4 ही क्वार्टर बने बेटे। तो इस केस में भी अगर 1000 होगा मल्टीप्लाई तो 4 से ही करेंगे। रेट हमें मेंशन हुआ और इस बार लेकिन हमने कितने से करना है? 4.5 by 12। तो ये न्यूमेरिकल्स में कुछ चार्ट याद करना पड़ेगा आपको। उसके बाद हम कमीशन की बात करते हैं। कमीशन भी पार्टनर्स लेते हैं बेटे, कमीशन लेते हैं। कुछ पार्टनर्स सैलरी ले रहे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम जॉब नहीं कर रहे हैं पार्टनरशिप में अपनी, हम कमीशन के बेस पर काम करेंगे, विल डू द बिजनेस एंड जो हमारी कमीशन बनती है वो हमें दे दें। तो उस केस में कमीशन 2 तरह से होती है बेटे, ये भी याद रखिएगा। कमीशन क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट पे ही निकालते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर और आफ्टर का फर्क होता है बेटे, ये इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो बिफोर चार्जिंग है तो जो भी डिविजिबल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट होता है जो खर्चे निकालने के बाद डिविजिबल प्रॉफिट, रेट हमें मेंशन दिया होता बेटे। तो अगर 10% है तो 10/100 ही किया जाएगा। तो जितना भी प्रॉफिट होगा, मान लो 50,000 प्रॉफिट हुआ और रेट 10% था, तो 10% हम कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे 5,000 रुपीज। तो रेट अपॉन 100 मीन्स मान लीजिए 10% रेट था। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग हो, आफ्टर चार्जिंग तो डिविजिबल प्रॉफिट, मान लीजिए 50,000 हमारा डिविजिबल प्रॉफिट था, लेकिन इस केस में फॉर्मूला क्या है? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो इस बार 50,000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10/100 से। तो फर्स्ट फॉर्मूले में रेट 10% है, दैट मींस 10/100, और अगर आफ्टर चार्जिंग है बेटे तो फिर रेट अपॉन 100 प्लस रेट, कोई भी रेट, रेट इज गिवन। तो 10 है तो 100 प्लस 10 110 हो गया, और अगर 25 है तो फिर मल्टीप्लाई कितने से किया जाएगा बेटा? डिविजिबल प्रॉफिट इनटू 25/125। सो दिस इज अबाउट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती हैं? पार्टनरशिप डीड में हो तभी चार्ज किया जा सकता है। इट्स अ प्रॉफिट फॉर द कंपनी, इट इज चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स बिकॉज दे आर विड्रॉइंग मनी फॉर पर्सनल यूज और गुड्स। दीज आर द मेथड्स। तो यू जस्ट गो थ्रू, हैव अ स्क्रीनशॉट, दीज आर, टुमारो विल डू द न्यूमेरिकल्स। एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी और यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट फुली। थैंक यू।